हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप पहले से और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर कोई परेशानी चल भी रही होगी तो जल्दी दूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो बेस्ड है हमारे सितंबर के गार्डन वर्क के ऊपर कि सितंबर के महीने में आपको क्या करना है। दोस्तों अगर आप एक गार्डनर लवर हो तो दोस्तों ये वाला महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आ गया है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में अगर आप फ्लावरिंग लेना चाहते हो या अपनी सब्जी लेना चाहते हो तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग इसी महीने से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों पहला पॉइंट ये आता है कि आप अपने पौधों की कटिंग और उनको नई शेप दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में पौधे एकदम से नई ग्रोथ पकड़ते हैं। या अगर आपके पास एक पुराना पौधा है वो बहुत ज़्यादा पेड़ की तरह बड़ा हो गया है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो और उसको नई शेप दे सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास बेल वाली फूल वाली बेल है या अगर आपके ग्राउंड फ्लोर पे हेज बन रही है तो दोस्तों आप उनकी कटिंग कर सकते हो और उनको दोबारा से नई शेप दे सकते हो। दोस्तों डेड प्लांट से मेरा मतलब ये है कि इस बार गर्मी के मौसम में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक चले गया था, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे हैं वो सूखने स्टार्ट हो गए थे। क्योंकि अगर हम उनमें स्टार्टिंग में मतलब मॉर्निंग टाइम में उसमें पानी डालते थे और फिर एक दो घंटे में देखने आते थे तो उसका पानी सूख जाता था, फिर दोपहर की कड़क धूप में सूखी मिट्टी में पौधा कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसलिए हमारे बहुत से प्लांट सूखने स्टार्ट हो गए या वो मर गए थे। तो दोस्तों इस बार जो बारिश पड़ी थी उस बारिश में अगर वो पौधे फूट गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनमें कोई फूटे उसमें नहीं आई है या अगर उसमें नई ग्रोथ नहीं निकली है तो आप उन पौधे को हटा सकते हो। दोस्तों हटाने से पहले आप उन पौधे का जो मेन तना होता है किसी भी टूल की मदद से या सीजर की मदद से उसे स्क्रैच करके देखना, अगर वो अंदर से ग्रीन निकले तो मतलब वो पौधा भी फूटेगा। अभी उसमें आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो अंदर से ब्राउन निकले या वाइट निकले बिल्कुल सूखा सूखा निकले या अगर उसका जो स्टेम है वो तोड़ने से बिल्कुल कड़क टूट जाए तो मतलब वो पौधा आगे चल के नहीं फूटने वाला है। उन पौधों को आप अपने गार्डन से हटा सकते हो। अगर आप उन पौधों को अपने गार्डन में ऐसे ही रखे रखोगे तो उनसे फंगस का अटैक हो सकता है, फिर सारा फंगस आपके और पौधों में भी लग सकता है। अगर वो पौधे आपके सूख गए तो आप उन्हें जल्द ही हटा दें। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि इस बार अपनी छत को सर्दी के मौसम में पूरे फूलों से भर देना, अपने टेरेस गार्डन को बिल्कुल फूलों से भर देना। क्योंकि दोस्तों सितंबर के महीने में आप पौधे को बीज से तैयार कर सकते हो और उससे फ्लावरिंग ले सकते हो। दोस्तों इतना मजा उसमें नहीं है कि आप नर्सरी से पौधा लाओ और उससे फ्लावरिंग लो, उसमें इतनी अच्छी फीलिंग नहीं है। फीलिंग तो दोस्तों उसमें आती है कि खुद अपने हाथों से मिट्टी में बीज लगाओ, एक नन्हे से पौधे को बड़े होते हुए देखो और उससे फ्लावरिंग लो। जो उसमें फीलिंग आती है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है। तो दोस्तों मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ इन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को आप बीज से उगा सकते हो और सर्दी में आप इनसे फ्लावरिंग ले सकते हो। दोस्तों इस बार मैं अपनी छत को बिल्कुल फूलों से भरने वाला हूँ, क्योंकि इस बार मैं बीज से बहुत सारे पौधे तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये आता है कि अपने सपनों को पूरा करना। दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं जो कि आप नहीं ले सकते, आप उन पौधों को कटिंग से तैयार कर सकते हो इस सितंबर के महीने में। दोस्तों मैं अपना एक पौधा दिखाता हूँ, देखो ये हमारा मॉन्स्टेरा का पौधा है जो कि देखो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और अगर आप इसे नर्सरी पर लेने जाओगे तो दोस्तों आपको इतना बड़ा पौधा 600-650 या दोस्तों आपको इससे भी ज़्यादा कॉस्टली का मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक राज की बात बताऊँ, मैंने ये पौधा नर्सरी से नहीं लाया हूँ, ये पौधा मैंने कटिंग से तैयार किया है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से घरों के बाहर जो पेड़ खड़े होते हैं, बहुत बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ में ही ये मॉन्स्टेरा का पौधा लगा देते हैं और फिर उस पेड़ के साइड में ही ये ग्रो होता है, पूरा पेड़ को लपेट लेता है। दोस्तों मैं वहीं पर ही जिस घर में ये लग रहा था उसी घर में मैं पूछ के वहाँ से एक कटिंग ले आया था, उसी कटिंग से दोस्तों मैंने ये पौधा तैयार किया और आप देख सकते हो कितना बड़ा पौधा है।
तो आप भी जल्दी जल्दी जाओ, जो भी आपके मन में प्लांट्स है उन प्लांट्स की कटिंग लगाओ और अपनी एक गार्डनिंग में नई सक्सेस पाओ। दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये आता है कि अपने पौधों को कीड़े से कैसे बचाएं। मुझे पता है आप बहुत खुश हो लिए कि इस बार गर्मी के मौसम में पौधे जितने सूखे हैं बरसात में उतने ज्यादा हरे भरे हो गए, लेकिन आगे चल के आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि आगे चल के दोस्तों जो वातावरण है आगे सर्दी बढ़ने वाली है और वातावरण में नमी रहने वाली है, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से कीड़े नए कीड़े पनपते हैं और फिर आपके पौधे के ऊपर अटैक वो कर सकते हैं। इसलिए उनके बचाव के लिए दोस्तों आपको अभी से सितंबर के महीने में बिल्कुल अच्छे से पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करोगे, नीम ऑयल की 5 ml नीम ऑयल 1 liter गुनगुने पानी में डालना और उसमें 4 से 5 बूंद लिक्विड सोप की डाल देना, उसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना, फिर अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना। और दोस्तों जरूरी बात यह है कि जब आप उसके अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने से पहले वेदर न्यूज चेक कर लेना कि बारिश पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर आपने नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया फिर उसके बाद बारिश पड़ गई तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो आपको जब ही डालना है जब बारिश का मौसम ना हो और फिर अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपकी पौधे की जो मिट्टी है उसमें भी अटैक हो सकता है कीड़ों का, उसमें भी दीमक लग सकते हैं, फंगस का अटैक हो सकता है मिट्टी में, तो अटैक ना हो उससे पहले दोस्तों आप अपनी मिट्टी में पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें गुड़ाई करें और उसमें नीम खली ऐड कर सकते हो। दोस्तों नीम खली पौधे में दीमक नहीं लगने देती है और उसके अंदर नए कीड़े नहीं पनपते। अगर दोस्तों आपकी मिट्टी में कीड़े हो गए हैं तो आप अपनी सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई करें, उसके अंदर नीम खली को ऐड करें और गुड़ाई करके बस ऐसी छोड़ दें। उससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी सूखनी स्टार्ट होगी और जब मिट्टी सूखनी स्टार्ट होती है तो कीड़े उसमें नहीं पनपते। तो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट यह आ जाता है कि अपनी मिट्टी को दोबारा से सोना कैसे बनाएं। दोस्तों बरसात के मौसम में जब आपके ग्रो बैग में या मिट्टी के गमले में, सीमेंट के गमले में या प्लास्टिक पॉट में पानी भरता है और भरने के बाद जब वो बहता है तो उसके साथ जो मिट्टी में न्यूट्रिशन रहता है वो भी बह जाता है, और जब आप उसके अंदर और कोई पौधा लगाओगे तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होने वाली है। सर्दी के मौसम में आपको अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलने वाली है। अगर आपके जो पौधे हैं वो गमले में लगे हुए हैं तो उसमें क्या करना है, उसमें तो आपको बस गुड़ाई करनी है, ऊपर से एक दो मुट्ठी खाद डालनी है, फिर उसे मिक्स करके पानी डाल दो, उसमें तो बस ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हो और आपके पास ग्रो बैग है, बड़े बड़े ग्रो बैग है, तो आपको उन्हें खाली करना है और उनमें खाद ऐड करना है, बिल्कुल मिक्स करना है अच्छे से, फिर दोबारा से उनमें भरना है, जब भी आपको उसके अंदर अच्छे से हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों सिक्स पॉइंट ये आ जाता है कि अपने वेजिटेबल गार्डन को आगे सर्दी के मौसम के लिए कैसे तैयार करें। दोस्तों इस सितंबर के महीने में या दोस्तों अगले अक्टूबर के महीने में आप वेजिटेबल प्लांट्स को सीड से ग्रो कर सकते हो। देखो दोस्तों मैं आपको ये साइड में लिस्ट दिखा देता हूँ, इन सारे प्लांट्स को आप आसानी से सीड से तैयार कर सकते हो। दोस्तों टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, तोरी, लौकी, करेला, सेम, कद्दू, इन सारे प्लांट्स की पहले आपको सैपलिंग तैयार करनी पड़ेगी। सैपलिंग से मतलब है एक छोटे से पोट में आपको बीज से पौधे को पहले तैयार करना पड़ेगा, फिर जब ये ग्रो हो जाएंगे फिर आपको इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों धनिया, पुदीना, पालक, सरसों, चने का साग, मतलब इन सारे पौधों को आपको ऐसे ग्रो बैग में, मतलब जो ऊंचाई में तो थोड़े कम हो लेकिन चौड़ाई में वाइड ज्यादा हो, उन ग्रो बैग में डायरेक्ट आपको बीज डालना है और उन्हें डायरेक्ट वो ग्रो होंगे। इनके लिए कोई सैपलिंग तैयार नहीं होती है, डायरेक्ट ही ग्रो बैग में बीज डालते हैं, स्प्रिंकल होते हैं और उसी से ये ग्रो होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।